देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। JKWB उजाला कंपनी का कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखें और धोखेबाजों से बचें। JKWB उजाला कूलर 25 सालों से एक विश्वसनीय। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT। महेंद्रगढ़ के गांव खतोदड़ा में बाबा नारायण दास मंदिर के पास सुबह 5 बजे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी पहचान 54 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र गोकुल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक वीरेंद्र को कल शाम गांव के ही 5-6 लोग बुलाकर ले गए थे और उन्होंने पहले तो उसके साथ शराब पीकर फिर योजना बनाकर उसकी हत्या की और फिर लाश को कुर्दबुर्द करने की नीयत से जला दिया। मंदिर जाने वाले रास्ते के पास अधजली अवस्था में फेंक कर चले गए, जिसके पीछे उन्होंने चुनावी रंजिश की वजह से हत्या करने के आरोप लगाए गए। रात की घटना है, दूसरी जगह इसको मार के मोटरसाइकिल पे लाद के और गांव के नजदीक जो मेन सड़क मंदिर को रास्ता जाता है उस रास्ते पे इन्होंने डाल दिया। और जिस लड़के ने डाला है वो पुलिस की गिरफ्त में है, मोटरसाइकिल पुलिस के कब्जे में है जिसके ऊपर डाल के ले गए। और फिर डॉक्टर कहता है 4 दिन तक धूप में पड़ा रहा है। बताओ कैसे होगा? आपको किन लोगों में शक है? कितने लोगों में शक है? कौन लेगा इसको? अजी, एक जो मोटरसाइकिल जो लेके गया है वो तो है ही पुलिस में है, उसके साथ 4-5 जितने भी थे वो सारे पुलिस के उसमें है। इस वारदात के पीछे रंजिश क्या रही होगी? रंजिश तो जी अब दिखावे में तो कोई है नहीं, अब अंदरूनी कोई उनके दिल में हो तो क्या पता है। जैसे कोई कहा जा रहा है कि कोई चुनावी रंजिश है? नहीं, हो सकता है जी, ये भी हो सकता है। परिजनों ने कहा कि वह आज महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे, लेकिन यहां डॉक्टरों ने शव की अवस्था को पोस्टमार्टम के लिए ठीक नहीं बताते हुए शव का पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक रेफर कर दिया। जी, हमें यहाँ संतुष्ट नहीं, ये डॉक्टर साहब कहीं दबाव प्रेशर हो गया, ये कह रहे हैं कि चमड़ी 2 दिन से जली हुई है धूप में, हम कह रहे हैं ये जलाया हुआ है, हम अपने रोहतक PGI मेडिकल करवाएंगे। घटना तो रात को घर से बुला के रात को मारा गया वाला वीरेंद्र सिंह गोकल। किस तरीके से, क्या वारदात हुई? ये तो वारदात तो वो करने वाले जाने जी क्या हुआ, इसको जलाया है क्या, तेजाब से जलाया है, पेट्रोल से जलाया है, मारा गया है जी, मर्डर कर। तो आज किस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? हम पोस्टमार्टम से संतुष्ट। हमारे पास अभी बॉडी आई थी, अभी हमने उसके बॉडी पे एग्जामिन किया है, बोर्ड बनाया था, बोर्ड करके बॉडी पे एग्जामिन किया है, एग्जामिन करके बॉडी की अर्ली स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी, तो हमने उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए रोहतक किया। जैसे कि उन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ भी पोस्टमार्टम हो सकता था लेकिन हो नहीं रहा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने डिसाइड करके रेफर किया है और रोहतक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए जो अर्ली स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में हम इतना वो कर नहीं पाते, इक्विपमेंट्स वगैरह रोहतक में ज़्यादा अच्छी तरह से। ANT नेशनल के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, हम ही पाए थे क्या अपने लुटन ने? ये बात होगी बहन जी, हमने तो उजाला कंपनी का असली कूलर चाहिए था, यो क्या दे दिया आपने? यो उजाला का तो है बहन जी। भाई साहब, वो वाला चाहिए था जिसपे JKWB का रजिस्टर मार्क हुए। बहन जी यो ले ले, यो भी तो कंपनी का है, न्यू है, उजाला कंपनी का कूलर है, तो दे दो, ये तुम्हारे पैसे वापस दे दो। आजकल तो गाँव वाला नहीं भी लगन लगा असली और नकली कूलर का। JKWB उजाला कंपनी का कोई भी कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखे और धोखेबाजों से बचे। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।